नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों, आज के आप लोग के इस रेलवे ग्रुप डी तैयारी में हम लोग यहां पर साइंस से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स के भी क्वेश्चन पढ़ेंगे और मैंने कुछ अलग से भी क्वेश्चन लिए जो कि आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे बेसिकली हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर से ही लिए गए हैं, तो मैंने अब तक आप लोग को सारे सिंपल क्वेश्चन जितने भी थे वो करा दिए हैं और आज हम लोग इस वीडियो में थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं और जो आप लोग के एग्जाम में और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो मैं आज से आपको कराने वाला हूं, तो इनका लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा लेकिन सारे के सारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये दिया गया, किस गुण के कारण बालू ठीक ना संचगन साचे में से गैसों को आसानी से बाहर जाने देता है। देखिए, बालू अगर मोल्ड की बात करें, संचगन का मतलब होता है हमारे यहाँ पर मोल्ड, तो बालू हमारा मोल्ड के परमेबिलिटी यानी कि पारगम्यता गुण के कारण गैसे साचे में से होकर आसानी से बाहर निकल जाते हैं। तो हमारा दोस्तों यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारगम्यता। तो अगर आप लोग का आंसर पारगम्यता आ रहा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए क्या दिया गया है, सीमेंटीकृत कार्बाइड औजार में बहुसाधारण रूप में उपयोग किए जाने वाला बंधक सामग्री कौन सी है। तो इसमें सामग्री हमारी कोबाल्ट। सीमेंटीकृत कार्बाइड औजार में बहुसाधारण रूप से उपयोग किया जाने वाला बंधक सामग्री कोबाल्ट है। तो अगर आप लोग का आंसर कोबाल्ट आ रहा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, ट्रिमिंग प्रक्रम जो है किससे संबंधित है। देखिए, ट्रिमिंग जो प्रक्रम है हमारा ये प्रेस कार्य से संबंधित है। ट्रिमिंग है, पिंचिंग है, ब्लैकिंग है, नोचिंग है ठीक है ना, लेंसिंग है, निबलिंग है, ये सारे हमारे जो प्रेस कार्य के अंतर्गत ही प्रक्रम आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपको देखिए क्या दिया गया, ओम्स लॉ, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जो है ओम नियम मान्यता के लिए जरूरी है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को भी नहीं पता यहाँ पर, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आ चुका है पहले, और हमारा यहाँ से सही जवाब होगा तापमान स्थिर होना चाहिए। तो अगर आप लोग का आंसर यहाँ से तापमान स्थिर होना चाहिए आ रहा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अर्धचालक सामग्रियों में बंधक होते हैं आयनिक, सहसंयोजक, पारस्परिक या फिर धातुई। तो नाइन्थ क्वेश्चन का हमारा सही जवाब हो जाएगा सहसंयोजक, क्योंकि अर्धचालक सामग्रियों में जो सहसंयोजक बंध होते हैं इन्हीं का प्रयोग किया जाता है, और आयनिक बंध का प्रयोग धातु में किया जाता है और पारस्परिक बंध कोई बंध नहीं होता। तो अगर आप लोग का आंसर सहसंयोजक आ रहा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने, अर्धचालक में धारा प्रवाह जो है किस पर आधारित होता है। तो टेंथ क्वेश्चन का हमारा सही जवाब होगा उपरोक्त सभी पर। तो आपका आंसर अगर डी है तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। स्रोत के बिना एक कर्तक किस तरह काम करता है। तो हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर यानी कि दृष्टिकारी। हमारा अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड मुख्यतः एक पीएन जंक्शन होता है, कैसा, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। देखिए दोस्तों, अगर इसकी हम लोग बात करें ना डायोड की, डायोड हमेशा कैसा होता है, फॉरवर्ड बायस्ड होता है। इसका सिंबल होता है दोस्तों हमारे यहाँ पर, आपको मैं बता दूँ इसका सिंबल आप लोग का जो होता है दोस्तों डायोड का, ये होता है हमारे यहाँ पर एक दिशी होता है और ये होता है फिलहाल हमारा फॉरवर्ड बायस्ड। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, एक अपचाई प्रकार के स्विचिंग बोल्टता नियंत्रक का निर्गम बोल्टता पर आधारित होता है, निवेश वोल्टेज, कार्यचक्र, ट्रांजिस्टर ऑन टाइम या फिर ऊपर के सभी विकल्प सही है। देखिए दोस्तों, एक अपचाई जो प्रकार की स्विचिंग बोल्टता है तो नियंत्रक का ठीक है ना, बोल्टता नियंत्रक का निर्गम बोल्टता कार्यचक्र, निवेश वोल्टेज तथा ट्रांजिस्टर ऑन टाइम सभी भागों पर आधारित होता है। तो ऐसी कैटेगरी में हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि विराम पर तरल में किसी बिंदु पर दाब में सभी दिशाओं में समान तीव्रता होती है। तो बिल्कुल हमारे यहाँ से सही जवाब होगा पास्कल का नियम। दोस्तों पास्कल का नियम द्रव यांत्रिकी पर आधारित नियम है। पास्कल के अनुसार जब किसी असंपीडीय द्रव में किसी बिंदु पर दाब में परिवर्तन किया जाता है तो द्रव के उसके बिंदु के सभी दिशाओं में द्रव समान रूप से प्रसारित होता है। तो अगर आप लोग का आंसर सी आ रहा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, जड़त्व आघूर्ण की संकल्पना में क्या चीज जो है इसमें लागू की जाती है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर 18 क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ये होगा हमारा ऑप्शन ए दिया गया है, घूर्णी पिंड।
रोटेटिंग बॉडी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, वैट्यूमेन पेंट ये क्या देता है, प्लीजिंग सरफेस, हार्ड सरफेस, स्मूथ या फिर प्रोटेक्टिव सरफेस। तो यहाँ से आपका सही जवाब होगा रोटेटिंग बॉडी, यू नो, क्योंकि आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा, प्लीजिंग सरफेस। अगर आप लोग का आंसर ये आ रहा है तो आपको मैं बता दूं इसका सही जवाब ये नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा हमारे यहाँ पर संरक्षक पृष्ठ, प्रोटेक्टिव सरफेस आपका सही जवाब हो जाएगा, ओके ना, क्योंकि विटामिन पेंट काले रंग का होता है, ये मैंने पहले आपको बताया था। विटामिन पेंट हमारा जो काले रंग का होता है, जो लकड़ी आदि कार्यों पर किया जाता है, ये अग्नि तथा जलरोधी होता है और ये पेंट की जाने वाली सतह पर एक संरक्षी परत प्रदान करता है। ये दिखने में अच्छत्र नहीं होता है परंतु ये एक अच्छा परिरक्षण होता है। इसका प्रलेप ढलवा लोहा के पाइपों पर जंग लगने से ये रोकता है। फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। दोस्तों, निचले वायुमंडल में ऑक्सीजन का कौन सा संरचनात्मक संशोधन रूपांतरण वायु प्रदूषक है परंतु ऊपरी वायुमंडल में लाभकारी होता है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रैक्साइड, ओजोन, कार्बोजोन या फिर एल्यूमिनोजोन। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन की, 23 क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है और यहाँ से आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ओजोन। तो अगर दोस्तों यहाँ से आप लोग का ओजोन O3 आ रहा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ओजोन समताप मंडल में पाई जाने वाली एक गैस है जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक UV यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं इनसे हमारी रक्षा करता है, परंतु इसकी सांद्रता पृथ्वी के निचले तल में बढ़ने पर वायुमंडलीय परिवर्तन का कारण बनती है। फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कौन सा विषैला तत्व परंपरागत तरीके से तापमापी में वास्तविक सुरक्षा और जोखिम से निपटने के लिए उपयोग किया जाता था। तो हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 24 क्वेश्चन का पारा यानी कि मरकुरी। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, मरुस्थल में वृक्षारोपण कठिन होने का कारण क्या है। देखिए, मरुस्थल में आप लोग भी जानते होंगे एफोरेस्टेशन, मरुस्थल में वृक्षारोपण कठिन होने का कारण है निम्न वर्षा और उच्च तापमान। वहाँ वर्षा तो कम होती है लेकिन टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है। तो हमारा दोस्तों यहाँ से सही जवाब क्या हो जाएगा, लो रेनफॉल। एक प्रकाश वोल्टीय प्रमात्रक को क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल आपको बता दें 26 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसको बोलते हैं सोलर पैनल। क्या बोलते हैं, सोलर पैनल। एक कंप्यूटर को निर्देश देने वाले अनुदेश समूह क्या कहलाता है, जो समूह होता है सेट का इसको बोलते हैं प्रोग्राम। ओके, यू नो प्रोग्राम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए, कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली के निवेश कला में सबसे अधिक प्रयुक्त यंत्र सामग्री का प्रकार कौन सा है, तो यहां से आपका हो जाएगा कीबोर्ड। फिलहाल बढ़ते हम लोग आगे और आते हैं फिर से हम लोग यहाँ पर साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। क्लोरीन गैस को जब किसमें से उच्च तापमान पर बहाया जाता है तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर 38 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, CaO। तो अगर आप लोग का आंसर यहाँ से आ रहा है CaO तो बिल्कुल आप लोग का सही है, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये आप सभी के सामने। दोस्तों, जीवों के वर्गीकरण को क्या बोलते हैं। देखिए, जीवों का वर्गीकरण इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी यानी कि वार्गिकी, और कैरोलस लिनियस को वार्गिकी का पिता कहा जाता है। तो अगर आप लोग का आंसर यहाँ से ऑप्शन ए आ रहा है तो बिल्कुल सही है। क्लास आप लोग की रिकॉर्डेड है, आप लोग मिलकर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मुझे क्लास अभी सारी रिकॉर्डेड प्रोवाइड करानी पड़ रही है, लेकिन फिर भी आप लोग मिलकर सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप लोग मिलकर सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर। एक कोशिका का जीव द्रव्य दोस्तों होता है, कैसा होता है। देखिए, कोशिका के जीव द्रव्य की बात करें प्रोटोप्लाज्म की तो ये हमारा कोलाइड होता है, इसको बोलेंगे कोलाइड, ठीक है ना। हमारा अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वे जानवर जो जुगाली करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। वे जानवर जो जुगाली करते हैं वह कहलाते हैं हमारे यहाँ पर रूमिनट्स। देखिए, तो यहाँ पर मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जैसे कि रूमिनट्स जुगाली करने वाले जानवर गाय बकरी, और फिर आपको यहाँ पर सेंगोवोर्स मतलब खून पीने वाले जानवर जैसे कि चमगादड़, कैनिवाल्स मांस खाने वाले, और फ्रूगीवोर्स यानी कि फल खाने वाले जानवर। फ्रूट से बना, ये कैनिवाल से बना हुआ है हमारे यहाँ से। ओके, चलिए फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आप लोगों के सामने। वे कशेरुकी जंतु जिनमें फेफड़े नहीं होते हैं उनको क्या बोलेंगे, तो बिल्कुल दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 44 क्वेश्चन का, अगर आपका आंसर आ रहा मछली तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें फेफड़े नहीं गलफड़े होते हैं।
क्योंकि इनमें फेफड़ों का अभाव पाया जाता है। यह गिल्स के माध्यम से जल में घुलित ऑक्सीजन के द्वारा श्वसन करती हैं, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, वह ग्रह जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी की बहन, जुड़वा बहन, ये कहा जाता है शुक्र को, सांझ का तारा, ये मैंने कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। चलिए फिलहाल फिजिक्स पर वापस आते हैं हम लोग। यहाँ पर बहुत सारे मिक्सअप मैंने क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन पढ़ते होंगे, लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पर ध्यान नहीं जा पाता है, इसलिए मैं आप लोगों का रिविजन कराने के लिए बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। लेकिन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आता हूँ, हर बार आप लोग हमारे साथ में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो अगर आप लोग को हमारी ये क्लास पसंद आती है तो डेली 8 बजे आप लोग इस क्लास को जरूर देखा कीजिए, और आप लोग मिलकर ऐसे ही सपोर्ट करते रहा कीजिए। तो हमारा दोस्तों फिलहाल 76 क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा ये आप सभी को बताना है। तो चलिए फिलहाल, ऊष्मा गतिकी का कौन सा सिद्धांत जो है आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना पर प्रकाश डालता है, तो हमारा दोस्तों यहाँ से सही जवाब क्या होगा, ए होगा, बी, सी या फिर डी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रथम नियम। ओके चलिए फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक साइकिल की वास्तविक क्षमता आदर्श स्थितियों में से उस साइकिल की वायु मानक क्षमता से हमेशा कम होगी, अधिक होगी, बराबर होगी, तो हमारा दोस्तों यहाँ से सही जवाब हो जाएगा कम हो जाती है। तो अगर आप लोग का आंसर कम आ रहा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जो है अचर दाब चक्र कहा जाता है, तो दोस्तों 78 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डीजल चक्र, कांस्टेंट प्रेशर। ओके डीजल चक्र को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर यानी कि अचर दाब। तो अगर आप लोग का आंसर यहाँ से आ रहा है डीजल साइकिल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिलहाल अब आप लोग बताएंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस कारण जो है डीजल इंजनों में अंतः क्षेपण पक्षता इंजेक्शन लैग होती है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे यहाँ पर ईंधन तेल जो है निमज्जक से बाहर रिसाव, लीकेज पास्ट द फ्यूल ऑयल प्लगर, ठीक है ना, तो या फिर कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द फ्यूल, ये भी सही दे रखा है, मतलब ये जितने भी आपको पॉइंट दे रखे हैं सारे के सारे सही हैं, तो ऑल ऑफ दिस इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, विकिरण द्वारा ऊष्मा अंतरण में सबसे कम पाया जाता है क्या। देखिए दोस्तों सबसे कम की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे कम यहाँ पर जो आपको दिया गया विद्युत बल्ब पाए जाते हैं, तो विकिरण द्वारा ऊष्मा अंतरण में सबसे कम पाया जाता है, यहाँ पर दिया गया इलेक्ट्रिक बल्ब, बिल्कुल विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए निकाय का तापमान होना आवश्यक है, तो विकिरण के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण तापमान पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार हमारे बाष्पन विद्युत मट, ठीक है ना, भट्टी, विद्युत रोधी वाष्प पाइप और नाभिकीय रिएक्टर में बहुत अधिक तापमान होने के कारण विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण होता है, जबकि विद्युत बल्ब का जो तापमान होता है ये कम होने के कारण विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कम होती है, इसलिए मैंने आपको बताया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विद्युत बल्ब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, पंक्ष युक्त पृष्ठों में ऊष्मा विसरण की उन्नत दर ये किसके कारण होती है। चलिए फिलहाल इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर तापमान में कमी दे रखा है, मतलब ये सारे के सारे पॉइंट आपके सही हैं, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रति यूनिट क्षेत्र के चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या का मापन है, संघनता, चुंबकीय फ्लक्स संघनता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकत्व वाहक बल या फिर सुग्राहिता। तो 84 क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है, और हमारा सही जवाब होगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। फिलहाल बढ़ते हम लोग यहाँ पर आगे, दोस्तों क्या दिया गया आपको यहाँ पर, किसी सामग्री की पैरा वैद्युत सामर्थ्य पर निर्भर करती है, किस पर करती है, तो ये करती है हमारे तापमान पर, उस वस्तु की स्थूलता पर, थिकनेस पर, और उसमें उपस्थित मॉइस्चर यानी कि जो नमी होती है ना उस पर। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपको सही दिए गए, इसलिए हमारा डी हो जाएगा। यदि दो पार्श्व चालक विपरीत दिशाओं में धारा का बहन करती है तो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिया गया, उन दो चालकों के बीच विकर्षण होगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, आप लोग दो चुंबक लेकर देख लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, आइए देखते हैं। एक मोटर आर्मेचर लेमिनेट क्यों होता है, देखिए हम लोग पढ़ते हैं मोटर आर्मेचर के बारे में, ये लेमिनेट क्यों होता है। तो एक डीसी मोटर का आर्मेचर लेमिनेट होता है ताकि भंवर धारा हानि को कम किया जा सके, ताकि दोस्तों उसका जो एडी करंट्स होता है उसको यहाँ पर रिड्यूस किया जा सके। फिलहाल बढ़ते हम लोग यहाँ पर आगे, और हमारा अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, एक संट मोटर के क्षेत्र नियंत्रक का जो प्रतिरोध होता है लगभग कितने ओम का होता है, तो ये होता है लगभग 100 ओम का रहता है, 100 ओम के पास रखा जाता है। प्रवर्धक में ऋणात्मक पुनर्निवेश के उपयोग का एकमात्र कमी है कि उसमें होता है, क्या होता है,
तो 91 क्वेश्चन का दोस्तों हमारे यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर गेन सेक्रीफाइस, लब्धि त्याग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पेपर में आ चुके हैं जो मैं आज आप लोग के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। मैं डेली आपके लिए साइंस में ऐसे ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप लोगों ने इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पढ़े तो एक बार रिविजन कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपको पढ़ना नहीं है दोस्तों तो अगर आप लोग हमारी वीडियो देख कर ही चले जाएंगे तो भी आपको साइंस का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका मिस हो जाए, क्योंकि मैं आपका हर तरीके से क्वेश्चन कराने वाले हैं हम आपके लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर हैं SSC, ठीक है ना, आपके रेलवे के, जैसे कि आपका ग्रुप डी हो गया, NTPC हुआ है, भी RRB JEE का पेपर भी हुआ है, तो मैं आप लोगों के लिए JEE के भी क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपको हर तरीके से रेलवे के जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं वो सारे आपके तैयार हो जाएं। फिलहाल हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अलम्ब अपराव, ठीक है ना, ठीक है ना, अलम्ब अपराव माना जाता है यदि अ सपोर्ट इज सेड टू बी नॉन एल्ड इफ। सो दोस्तों यदि दोस्तों क्या हो, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ 98 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, यदि हमारा आलंब पर धरण से शून्य प्रबलता हो तब, यदि आलंबों पर प्रबलता शून्य होगी तो आलंब को अपराव, ठीक है ना, अपराभव माना जाता है। ये वे आलंब होते हैं जिनमें तापीय प्रसार के कारण कुछ प्रसार अवश्य हो सकता है, अर्थात तापीय प्रसार के कारण प्रतिबल जो है उत्पन्न नहीं होता है। तो अगर आप लोग का आंसर यहाँ से ऑप्शन ए आ रहा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक अमीटर है दोस्तों, कौन सा मीटर होगा हमारे यहाँ पर, ऑप्शन बी है, एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक सूचक उपकरण, ये हमारा हो जाएगा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, तो अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक और शेयर का बटन आप लोग जरूर दबाएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूं। निम्नलिखित में से किस पर लिस्साजू अंग का आकार आधारित है, तो हमारा दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का, ऑप्शन डी आ जाएगा, हमारे जितने भी विकल्प दे रखे हैं सारे। तो आज आप लोगों ने देखा कि मैंने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं, तो अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल इस क्लास को लाइक कीजिएगा और आप लोग मिलकर शेयर कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूं। तो फिर मुलाकात होगी आप लोगों से कुछ ऐसे ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बने रहिए आप सभी लोग, आप लोग हमारे अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।